आज है आप लोग का 21 जनवरी और आज की करंट अफेयर्स का पहला प्रश्न आप सभी के सामने है। गुजरात सरकार ने हाल ही में ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की गई है? तो गुजरात सरकार के द्वारा हाल ही में ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की गई है वो आप लोगों को बताना है। कमलम फ्रूट, गुलाबम फ्रूट, गेंदा फ्रूट या सूरजमुखी फ्रूट। तो हाल ही में आप लोगों को पता है भैया कि गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी के द्वारा ये बोला गया है कि ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर कमलम करने का फैसला उनके द्वारा लिया गया है। तो ये जो आप लोगों को पता होना चाहिए, ऑप्शन के अकॉर्डिंग ए आप लोगों का राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग ए इज योर राइट आंसर, कमलम फ्रूट। भैया गुजरात के वर्तमान में मुख्यमंत्री यदि पूछे जाए तो कौन है? विजय रूपाणी। कौन है भैया? विजय रूपाणी। ये आप लोगों को याद रखना है कि राज्य सरकार ने ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर कमलम फ्रूट करने का फैसला किया है। ड्रैगन फ्रूट को सुपर फूड माना जाता है और यह देखने में काफी अधिक आकर्षक लगता है। मुख्यमंत्री ने कहा, इस समय बाजार में उपलब्ध कई सबसे महंगा फल है। कैक्टस प्रजाति के पौधों में यह फल उगता है और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण आप लोगों का होता है। भारत ने सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश को 1.5 करोड़ कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड के डोज अनुदान सहायता के तहत उपहार दिए हैं? तो आप लोग बताएं। सो यहाँ जो आप लोग का भैया किसको दिए गए हैं, ये आप लोग का है भूटान। इंडिया की आप लोग का सी आप लोग का राइट आंसर रहेगा। भारत ने अपने पड़ोसी देश भूटान को 1.5 करोड़ कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड डोज आप लोग को देने की सहायता की। आप लोग को पता है कि भारत में आप लोग कोरोना वैक्सीन आ चुकी है। श्रीम इंस्टीट्यूट की यह कोविशील्ड वैक्सीन मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 20 जनवरी 2021 को भूटान के थिम्पू के लिए रवाना हुई। बता दें कि भारत दुनिया की सबसे बड़े दवा उत्पादक देशों में से एक है और कोरोना वायरस का टीका खरीदने के लिए काफी सारे देश भारत से संपर्क किया है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज सबसे कम 27 पारियों में 1000 रन बनाने वाला पहला भारतीय बल्लेबाज बन गया है? तो उस भारतीय विकेट कीपर का नाम आपको बताना है जो सबसे कम यानी कि 27 पारियों में 1000 रन बनाने वाले हैं। दिनेश कार्तिक, ऋषभ पंत, महेंद्र सिंह धोनी या ऋद्धिमान साह। जो आप लोग का है थर्ड वाले में आप लोग का ऋषभ पंत आप लोग का राइट आंसर रहेगा, यानी कि ऋषभ पंत जी और राइट आंसर। हाल ही में भैया भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत सबसे कम यानी कि 27 पारियों में 1000 रन बनाने वाले पहले विकेट कीपर आप लोग के बन चुके हैं। किस राज्य के पूर्व राज्यपाल एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व राजस्व मंत्री आप लोगों के माता प्रसाद का हाल ही में निधन हो गया है? तो भैया किसका हाल ही में निधन हो, यहाँ जो आप लोगों का होने वाला है अरुणाचल प्रदेश आप लोग का राइट आंसर रहेगा, यानी कि डी इज योर राइट आंसर। अरुणाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व राजस्व मंत्री माता प्रसाद का निधन आप लोगों का हो चुका है और इनसे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं आप लोगों को यहाँ पर ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होने वाले, ठीक है। गणतंत्र दिवस परेड में फाइटर प्लेन उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर का नाम कौन है? यह भैया मोहना सिंह, भावना कांत, शिवांगी सिंह या अवनी चतुर्वेदी है। उस महिला का नाम क्या है भैया? भावना कांत। इन द सेंस आप लोग का बी आप लोग का राइट आंसर रहेगा, भावना कांत। इस बार जो है भारतीय वायुसेना की महिला फाइटर पायलट भावना कांत 26 जनवरी 2021 को इतिहास रचने जा रही हैं। भावना गणतंत्र दिवस की परेड जो कि आप लोग की होने वाली है रिपब्लिक डे की परेड में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर बनेंगी। तो ये आप लोग का आगे चल करके जो है क्वेश्चन बनेगा विविध का, है ना, इस बात को याद रखना। अच्छा ये बताओ किस देश की सरकार ने हाल ही में कोविड-19 के प्रभावों से उबरने में मदद करने के लिए 3.7 बिलियन अरब डॉलर की राहत पैकेज शुरुआत की है? वो सरकार आप लोगों का नेपाल, चीन, मलेशिया और बांग्लादेश। तो वो सरकार आप लोगों की जो होने वाली है वो मलेशिया की सरकार होने वाली है, यानी कि सी इसमें आप लोगों का राइट आंसर रहेगा। मलेशियाई सरकार ने हाल ही में कोविड-19 के प्रभावों से उबरने में मदद करने के लिए 3.7 बिलियन अरब डॉलर की घोषणा की है। स्पेशल देखा जाए तो लगातार तीसरी लहर आने की शंका वहां पर देखी गई है। अच्छा केंद्र सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को किस दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है? बताइए, हिम्मत दिवस, पराक्रम दिवस, भारत दिवस और सैन्य दिवस। तो भैया इस बार उसको पराक्रम दिवस के रूप में मनाने वाले हैं, भारत सरकार के द्वारा ये घोषणा की गई है। 20 में आप लोग का राइट आंसर रहेगा। 125वीं जयंती इस बार आप लोग की नेताजी सुभाष चंद्र बोस की है और 23 जनवरी यानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन को इस बार पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया जिसके द्वारा यह निर्णय आप लोगों का लिया गया है। फिलिस्तीन ने कितने वर्षों के बाद साल 2021 में अपना पहला राष्ट्रीय चुनाव आयोजित करने के लिए तैयार हुआ?
14 साल, 20 साल, 25 साल या 10 साल? तो भैया फिलिस्तीन ने हाल ही में 14 साल के बाद अपने चुनाव आयोजित करने की घोषणा की है, यानी कि आप लोग का ए आप लोग का राइट आंसर रहेगा, ए इज योर राइट आंसर। काफी लंबे टाइम के बाद 2021 में पहला राष्ट्रीय चुनाव का आयोजित वो करने वाला है और राष्ट्रपति वहां के महमूद अब्बास 15 जनवरी 2021 को हस्ताक्षरित एक डिक्री के अनुसार करेंगे। और इस वर्ष देश में 3 चुनाव, संसदीय, राष्ट्रपति और राष्ट्रीय परिषद के चुनाव इस बार कराए जाने वाले हैं। ठीक है, इसी के साथ आज की करंट अफेयर्स आप लोगों का कंप्लीट होती है। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी, तो आप लोग प्लीज इसे लाइक और मित्रों के साथ शेयर जरूर करो।